नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक महत्वपूर्ण वीडियो में। हमारा ये जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसमें आप देखने वाले हैं आज एक महत्वपूर्ण वीडियो, दांत के लिए दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन। मैं आज आपको बताऊंगा दांत का डॉक्टर, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन हमेशा अपने पास रखिए मुंह के अंदर, दांत या मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, बहुत बढ़िया काम करती है ये दोनों दवाई, किसी भी डेंटिस्ट से कम नहीं है। डेंटिस्ट जैसे आपके दांत मसूड़ों की सुरक्षा करता है, ठीक वैसे ही ये दो दवाई जो आज हम चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया काम करता है। चाहे आपको कोई भी किसी भी तरह का दांत या मसूड़ों से रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड, ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो ये दो दवाई आप हमेशा अपने पास रखिए, बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट दवाई है वो है मैक्सोल। आपको पता होगा मैक्सोल, MERCSOL, मैक्सोल सबसे बेस्ट टॉप कैटेगरी का दवाई है जो कि आपके दांत के लिए काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ दूसरा दवाई है जो कि आपके दांत के लिए बहुत ही स्पेसिफिक रूप से काम करती है, चाहे किसी भी तरह का कोई दिक्कत क्यों ना हो, जैसे कि दांत में सेंसिटिवनेस हो, दर्द हो, इस तरह का जो भी है, सर्दी जुकाम के बाद अगर आपका ये दांत का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, और अक्सर लोगों को होता है, बहुत कम लोगों को होता है कि दांत में कोई खराबी हो, पस परमिशन हो, जिसके कारण ये चीजें होती है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम लग गया, ठंडे पानी से पी लिया उन्होंने फ्रिज वाले, या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लिया, जिसके बाद उनके दांत में दर्द होना शुरू हो गया, सेंसिटिवनेस, बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस फील होती है, तो हिपरसल्फ उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन। मैक्सोल जो पहली दवाई हमने चर्चा की थी, एल्वियोलर अपसेस से लेकर दांत में जो कैविटीज होती है, मेटालिक टेस्ट, आपका सलाइवा सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है और उसमें मेटालिक स्वीटिस मेटालिक टेस्ट होता है, मतलब आपको एक मीठा मीठा सा महसूस, जैसे कि आपने चीनी खाया हुआ, ऐसा मेटालिक टेस्ट आपको फील होगा, और बहुत ज्यादा लार का सिक्रेशन होना, ये मैक्सोल को इंडिकेट करता है, एसोसिएटेड वे में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आप मैक्सोल ले सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा। और ये एक एम्बिथर्मल दवाई है जो कि उसको ज्यादा गर्मी भी परेशान करती है, ज्यादा ठंडक भी परेशान करती है। लेकिन हिपरसल्फ कहां पर सिलेक्शन होता है, वो एक्सट्रीमली चिल्ली पेशेंट है, उसको थोड़ा सा भी ठंडी हवा का झोंका उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाता, हिपरसल्फ एक बहुत ही चिल्ली पेशेंट है, उसके आधार पर आप हिपरसल्फ दे सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स थोड़ा सा भी मैच कर गया है, हिपरसल्फ मिराकल के जैसा काम करेगा। तो दो इंपॉर्टेंट दवाई मैक्सोल और हिपरसल्फ हमेशा अपने घर में रखिए, अगर दांत मसूड़ों से रिलेटेड या फिर मुंह के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो, इवन की थ्रोट में खराश हो, टॉन्सिल्स बढ़ा हुआ हो, जो मसूड़े हैं उसमें सूजन हो, खून आ रहा हो, और दुर्गंध युक्त आपका सांस लेते हो, मुंह से दुर्गंध आ रहा हो, आपको पता नहीं होगा कि मैं तो रोज दिन में दो बार ब्रश करता हूं फिर भी मुंह से दुर्गंध क्यों आता है, बहुत सारे लोगों को अवकवाड फील हो रहा होगा, बहुत ज्यादा उनमें घृणा का पात्र बनते हैं वो लोग जो पब्लिकली वो जाते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट मेडिसिन है मैक्सोल। तो ये दो दवाई आप 30 potency और 200 potency दोनों दवा, ये दोनों पोटेंसी में आप घर में जरूर लाकर रखिए। यूज कैसे करना है मैं बता देता हूं आपको, अगर सिम्टम्स मैच करते हैं आपको मैक्सोल के साथ, जैसे मैंने कहा एम्बिथर्मल दवाई, ये गर्मी से परेशान, ठंडक से परेशान, और उसका लाल ज्यादा सिक्रेशन होना, उसका जो सिम्टम्स है मैक्सोल का, रात के वक्त ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है, बारिश के मौसम में ज्यादा बढ़ जाना, ये तमाम सिम्टम्स अगर आपको मैच करे तो आप उसको 30 potency दिन में 3 to 4 times तक आराम से दे सकते हैं, ये 3 to 4 days तक आप देना, दिन में 4 times 4 days दे दिया, फिर 200 का दिन में 2 to 3 times आप दे सकते हैं, 2 days मैक्सिमम दीजिए, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगा, रिजल्ट बढ़िया आता है। हिपरसल्फ का सिम्टम्स अगर मैच करे, जैसे कि मैंने कहा चिल्ली पेशेंट हो, ओवर सेंसिटिव पेशेंट हो, थोड़ा सा भी उसको दर्द हो, भयानक दर्द होता है, टॉलरेट नहीं कर पाता, और उसको जो भी थोड़ा सा भी कुछ खा ले इधर उधर का, उसको तुरंत सर्दी पकड़ लेती है, तो इस तरह का जो सेंसिटिव पेशेंट है उसके सॉल्यूशन के लिए आप हिपरसल्फ दीजिए 30 potency, वैसे ही 3 to 4 times 5 times तक दे सकते हैं एक दिन में, और ऐसे 2 to 3 days आराम से दीजिए, कम हो जाए प्रॉब्लम, फिर उसके बाद 200 का
दिन में दो बार या तीन बार, दो दिन आप देकर फिर बंद कर सकते हैं। तो ये दोनों दवाई बहुत ही स्पेसिफिक है, एक्यूट कंडीशन में आप हर 15-15 मिनट आधे आधे घंटे में उसको रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सा रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये दोनों दवाई आपके लिए डेंटिस्ट से बिल्कुल कम नहीं है, दांत का डॉक्टर है। ये दोनों दवाई हमेशा अपने पास रखिए, आपको डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी नहीं पड़ेगा मैक्सिमम केसेस में। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा दांत में दर्द है, इन्फेक्शन हो गया है, निकालना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में ज़रूरी पड़ती है डेंटिस्ट के पास जाना, वो भी बहुत कम, 5-10% केसेस में। बहुत सारे केसेस जो हमारे पास आए हैं, अराउंड 90% केसेस में ये दोनों दवाई बढ़िया सा मिरेकल मैजिक रिजल्ट देता है और उनको दांत निकालवाना जरूरी नहीं पड़ता। वो लोग आते तो हैं कि हमारा दांत प्रॉब्लम हो रहा है बहुत दिनों से और हम खा नहीं पा रहे हैं, ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है मसूड़ों में, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मिरेकल रिजल्ट आता है 3-4 दिनों में, उनको डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं जरूरी पड़ता, उनको कोई एंटीबायोटिक खाना ही जरूरी नहीं पड़ता, पेन किलर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बहुत कम लोगों को पेन किलर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैक्सिमम उनको एंटीबायोटिक से बच जाते हैं वो लोग। तो इन दोनों दवाइयों को डेफिनेटली अपने घर में ला कर रखिए, किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होगा ही, तो आपको इमरजेंसी में काम में आएगा। और हाँ, और दो दवाई मैं बता देता हूँ इमरजेंसी वे में रखिए अपने पास, बेलाडोना 30, दूसरा है प्लांटागो क्यू। अगर दांत का दर्द है तो आप अप्लाई करने के लिए लगा सकते हैं उसको, अप्लाई करने के लिए आप उसको दांत के थोड़ा रुई के साथ उसको लगाइए, जहाँ भी दर्द हो रहा है या मसूड़ों में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, इमरजेंसी वे में कम होगा। जो दूसरा दवाई मैंने कहा बेलाडोना 30, भयानक अगर दर्द हुआ किसी कारणवश दांत में, मसूड़ों में, मुंह के अंदर टॉन्सिल बढ़ गया है, तो बेलाडोना 30 को भी आप 10-15 मिनट में रिपीट करिए, फटाफट आपको रिलीफ मिलेगा, जितना तेजी से पेन किलर भी काम नहीं करता। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखिए और घर में ला कर रखिए, डेफिनेटली आपकी मदद करेगा और इमरजेंसी वे में आपकी सहायता करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए, उनकी बहुत मदद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।